गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति शर्मा, योर SST टीचर. इन लास्ट वीक व्हेन वी हैड क्लास, वी स्टार्ट आवर चैप्टर इन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 4, एग्रीकल्चर. एंड इन माय लास्ट वीडियो वी अंडरस्टैंड अबाउट टाइप ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न, राबी खरीफ एंड जैद. एंड नाउ वी स्टार्ट एग्रीकल्चर मेजर क्रॉप्स. बच्चों, अभी तक हमने समझा कि भारत में कृषि कैसे की जाती है, कौन कौन सी हमारे यहाँ सालाना फसलें उगाई जाती हैं. अब हम समझेंगे कि मुख्य हमारे यहाँ फसलें कौन सी हैं, कौन कौन सी जो मेजर क्रॉप्स हैं, मेनली हम उसके बारे में यहाँ समझेंगे इस चैप्टर में. तो फर्स्ट हमारा जो है मेनली जो फसलें उगाई जाती हैं, अगर हम मोटे अनाज की बात करें तो सबसे पहले जो है वो है चावल. तो राइस के बारे में हम यहाँ समझेंगे. राइस, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना. बच्चों, पूरे विश्व में अगर चावल की बात करें तो चाइना के बाद सेकेंड जो प्रोड्यूसर है वो है इंडिया. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर्स अबव 25 डिग्री सेल्सियस, हाई ह्यूमिडिटी एंड एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर. जैसा मैंने आपको बताया था कि चावल जो है वो मॉनसून की फसल है, इसको नमी ज़्यादा चाहिए होता है, मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी बहुत चाहिए होती है और पानी बहुत चाहिए होता है. तो मेनली ये उन रीजन की फसल है जहाँ पर बारिश अच्छी होती है, नदियों का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो बहुत अच्छा है, वहाँ पर चावल की खेती की जाती है. क्योंकि ये जो टेम्परेचर है, ये जो एनुअल रेनफॉल है, बच्चों इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है. जैसे मैंने आपको लाइव क्लास पे ऑलरेडी बताया हुआ था कि एक टेबल के फॉर्म में आपको दे सकते हैं, या MCQ में आपसे पूछ सकते हैं, या फिर इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि कौन सी फसल के लिए कितना टेम्परेचर या कितना रेनफॉल जो है वो चाहिए होता है. तो 25 डिग्री से ऊपर इसका टेम्परेचर चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी बहुत चाहिए और एनुअल रेनफॉल कम से कम जो है वो 100 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए. एग्जैक्ट जो इसका है वो 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक की रेंज में चावल की खेती की जाती है. हाउएवर, इट कैन बी ग्रोन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल इरीगेशन इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल. हालाँकि जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर भी चावल की खेती अब की जाने लगी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके और इरिगेशन फैसिलिटी को यूज़ करके. जैसे हम बार बार पढ़ रहे हैं कि चावल को टेम्परेचर चाहिए प्लस पानी बहुत चाहिए, तो सिंचाई के ज़रिए, इरिगेशन के ज़रिए ऐसी जगह पर जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन बारिश कम होती है, तो वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके वहाँ पर क्या की जा रही है, चावल की खेती की जा रही है. तो राइस इज़ ग्रोन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. मेनली जो चावल है वो उगाया जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर का जो मैदानी भाग है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेनली इसका एरिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टिक रीजन्स. एज ऑब्वियस, जैसे मैंने बताया कि ऐसे रीजन जहाँ नदियों का ड्रेनेज बहुत अच्छा है और जहाँ पर बारिश बहुत होती है, तो कोस्टल रीजन्स में, ये नॉर्थ ईस्ट में हिमालयन रीजन्स में मेघालय है, असम का एरिया है, वेस्ट बंगाल का एरिया है, तो इन जगह पर बारिश भी बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पर ये होता है. नाउडेज राइस इज आल्सो ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड इट्स पार्ट्स ऑफ राजस्थान. हालांकि इन दिनों में चावल इन स्टेट्स में भी उगाया जा रहा है, वेस्ट यूपी हो गया आपका, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन यहाँ पर उगाया जा रहा है क्योंकि टेम्परेचर तो है लेकिन बारिश नहीं होती है उतनी जितनी चावल को चाहिए, तो यहाँ इरीगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करके यहाँ पर भी चावल की खेती की जा रही है. दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल्स. और यहाँ ये पॉसिबल इसलिए भी हो पाया है कि नदियों से जो कैनल्स बनाई गई हैं, जो नहर बनाई गई हैं, तो नहरों का जो नेटवर्क है वो इन एरियाज में बहुत अच्छा है जिससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और वहाँ पर चावल की खेती पॉसिबल हो पाई है. सेकंड, अगर हम स्टेपल फूड की बात करें तो चावल जो है बच्चों भारत का स्टेपल फूड भी कहा जाता है इसको, और सेकेंड स्टेपल फूड है वीट. स्टेपल फूड मतलब मुख्य भोजन.
तो चावल जो है मुख्य भोजन है पूरे भारत में, पहला स्थान चावल का है, और दूसरा जो स्टेपल फूड है आफ्टर राइस वो है वीट। सो वीट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया अगर आप देखेंगे तो जो चावल है वो मेनली कहाँ है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, और जो गेहूँ है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन की फसलें हैं। वीट नीड्स 50-75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। जो गेहूँ है वो सर्दियों की फसल है तो इसमें बारिश बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, 50-75 सेंटीमीटर बारिश बहुत है, इनफ है, और जबकि चावल की शुरुआती 100 से 250। सो वीट नीड्स 50-75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल विच शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। जो कि जो पूरा ग्रोइंग सीजन है गेहूं का, उसमें छोटी छोटी हल्की हल्की बौछार के रूप में बारिश होती रहे, ऐसा नहीं है कि हैवी रेनफॉल हो जाए, हैवी रेनफॉल नहीं चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। द गंगा सतलज प्लेन इज़ द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन आर टू इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स। अगर हम ग्रोन जो जोन की बात करें तो जो गंगा और सतलज का प्लेन है यानी कि पंजाब वाला जो एरिया है, पंजाबी पंजाब जो मैदान है उसमें, एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, और डेक्कन का जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है उस हिस्से में ये वाली जो वीट ग्रोइंग इसको जोन कह सकते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर द इम्पॉर्टेंट वीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स। ये सारे वीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं। अब मैं आपको एक बार मैप पे अगर समझाऊं, आप देख सकते हैं ये मैप है आपका, तो जो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये जो डार्क कलर किया हुआ है, ये इंडिया में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है ये है गेहूं का, और नॉर्थ का ये पूरा रीजन जो है ये है आपका राइस का, तो मेनली राइस इस तरीके से बटा हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे मिलेट्स। मिलेट्स में आपके बच्चों ज्वार, बाजरा, जो इन सबको मिलेट्स कहा जाता है, वैसे मिलेट्स का आप देखोगे तो उसमें ज्वार के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो जो ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट ग्रोन इन इंडिया। पूरे भारत में मेनली तीन तरह के मिलेट्स जो हैं, ज्वार की फसलें उगाई जाती हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी। मिलेट्स आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स, इन्हें हम दरदरे अनाज के रूप में कह सकते हैं। जैसे हमारे जो सीरियल्स हैं वो क्या हैं, मोटे अनाज हैं, और ये क्या है, हमारे कोर ग्रेन्स हैं, जैसे हम कहते हैं दरदरे अनाज। जैसे बाजरा आपने देखा है, बाजरा जैसी ही ज्वार होती है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता ज्वार का भी, और रागी भी इन्हीं से सिमिलर है। तो मिलेट्स में दरदरे अनाज के अंदर ज्वार, बाजरा और रागी तीनों आ जाते हैं। ज्वार महाराष्ट्र इज़ द लार्ज ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। मिलेट्स आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स बट दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। लेकिन इस अनाज में बेटा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले ज्वार, ज्वार महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अगर ज्वार के लिए बात की जाए तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा ज्वार उगाता है, और उसके बाद जो पोजीशन है वो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ज्वार ग्रोन्स इन मॉइस्ट एरियाज एंड हार्डली नीड्स इरिगेशन। जो ज्वार है बेसिकली उसको कैसा टेम्परेचर, कैसा क्लाइमेट चाहिए, मॉइस्ट, जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो, जिसके अंदर नमी की मात्रा ज़्यादा हो, तो ये ऐसी जगह उगाई जाती है जहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए इसको इरिगेशन की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि जो हमारे क्लाइमेट में, हमारे इन्वाइट में जो मॉइस्चर होता है उसी से ये फसल तैयार होती है। बाजरा, बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शेलो ब्लैक सॉइल। बाजरा जो है वो कैसी मिट्टी में होता है, रेतीली मिट्टी में, और जो भूरी मिट्टी होती है उसमें। रेतीली मिट्टी का मतलब है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा ना रुके, रेत जो होती है उसमें पानी नहीं रुकता है, तो कैसी वेल ड्रेन सॉइल इसके लिए चाहिए।
So bajra grow well on sandy soil and shallow black soil. Rajasthan is the largest producer of bajra, followed by Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Haryana. इसीलिए ज़्यादातर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मिट्टी भुरभुरी होती है, रेतीली होती है, चिपचिपी नहीं होती है, वहाँ पर बाजरा उगाया जाता है सबसे ज़्यादा राजस्थान में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके स्टेट्स हैं जहाँ पर बाजरा की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट आपका रागी। रागी मेनली साउथ इंडिया की फसल है। तो रागी ग्रोन इन ड्राई रीजन्स ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शेलो ब्लैक सॉइल। कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी, फॉलोड बाय तमिलनाडु। जो रागी है ये ऐसे रीजन्स में होती है जहाँ पर कैसी सॉइल मिले, रेड सॉइल मिले, ब्लैक सैंडी सॉइल हो, लोमी सॉइल हो, शेलो ब्लैक सॉइल हो। इट मीन्स जो दक्षिण के पठार की मिट्टियाँ हैं, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, वहाँ पर इस फसल को उगाया जाता है। इसीलिए कर्नाटका जो है वो इसका मेन प्रोड्यूसर है, और उसके बाद तमिलनाडु में भी रागी का उगाया जाता है। सो मिलेट्स में आपका ज्वार, बाजरा, रागी, मेज़ आप सब जानते हैं मेज़ की फसल को। सो मेज़ इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। जो मेज़ है वो जो फसल है वो फूड और फॉडर खाने के रूप में भी, मकई की फसल जो है अनाज के रूप में भी इस्तेमाल होती है, और जानवरों के चारे के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इट ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे क्षेत्र में उगाई जाती है, ओल्ड एलुवियल जो बांगर एरिया है जो कि, और एलुवियल सॉइल कहाँ मिलती है, उत्तर के मैदानी भाग में, तो इट मीन्स नॉर्थ की ये फसल है। सो ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर टेम्परेचर रेंज ऑफ 21 to 27। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश आर द मेजर मेज प्रोड्यूसर स्टेट। और ये कहाँ पर उगाई जाती है, कर्नाटका में जहाँ नदी घाटियों का क्षेत्र है, जहाँ पर नदियों ने एलुवियल सॉइल को जमा किया है। उत्तर प्रदेश नॉर्थ के प्लेन में है ही है, बिहार नॉर्थ के प्लेन में है ही है, आंध्र प्रदेश यहाँ भी नदियों की तलहटी में जहाँ पर नदियों ने एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट किया है, यहाँ पर इस तरह के मेन मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब बात करते हैं हम पल्सेस की। पल्स आप सब जानते हैं जो हमारी दालें हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो उत्पादक होता है दालों का वो भारत में सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि हमारे यहाँ कंज्यूम भी बहुत होती हैं दालें, तो हम इंपोर्ट भी करते हैं दाल को विदेशों से। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। पल्सेस आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। और जो दालें हैं वो रोटेशन में उगाई जाती हैं। एक बार फसल उगा ली कोई तो दूसरी बार दालों को लगा दिया गया, फिर दाल उगाई तो फिर दोबारा किसी और चीज़ की फसल की गई। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो पल्सेस हैं ये मिट्टी में से, सॉइल में से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन को लेती हैं। जो भी न्यूट्रिशन होते हैं मिट्टी में, खनिज तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, तो दाल जब उगती है तो मिट्टी में से उसको लेती है। तो अगर बार बार दाल की ही फसल की जाए एक खेत पे, तो उस खेत की, उस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, डाउन होती जाती है। इसीलिए जो पल्सेस हैं उनको रोटेशन में उगाया जाता है, लगातार पल्सेस की खेती नहीं की जाती है। सो पल्सेस आर यूजुअली प्रोड्यूस इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। यूपी, एमपी, राजस्थान एंड कर्नाटका आर द मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। यूपी, एमपी, राजस्थान और कर्नाटका सबसे ज़्यादा पल्सेस उगाई जाती हैं। और वेजिटेरियन फूड में पल्सेस जो हैं वो मेन जो स्रोत भी हैं प्रोटीन का, तो इसीलिए पल्सेस का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। और ये हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाली होती हैं, तो ये मिट्टी से भी न्यूट्रिशन लेती हैं, और अगर लगातार फसलें दालों की जाएं तो उस जगह की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी डाउन हो जाती है। शुगर केन नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर रेंज ऑफ 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius एंड रेनफॉल ऑफ 75 centimeter to 100 centimeter। बच्चों इन डिग्रीज़ को आप अच्छे से अंडरलाइन करते हुए जाएंगे, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, आपसे पूछा जा सकता है। बहुत डिटेल में तो आपके में नहीं है, बस इंट्रोडक्शन ही दिया गया है आपको इन सारी फसलों का। सो शुगर केन नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जो शुगर केन है, गन्ने की जो फसल है, उसको गर्म और कैसा चाहिए, नमी युक्त ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए।
इट रिक्वायर्स टेम्परेचर रेंज 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए, साथ ही जो बारिश है वो 75 से 100 सेंटीमीटर तक के लिए इसके लिए इनफ है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन वाइल ब्राज़ील इज़ द नंबर वन। अगर शुगर केन की बात की जाए तो शुगर केन ब्राज़ील जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले है। ब्राज़ील के बाद जो शुगर केन की फसल होती है वो इंडिया में होती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा आर मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये जो स्टेट्स हैं ये मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें दो हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। गन्ने के लिए एक बात और बता देती हूँ आपको मैं कि जो गन्ने का शुगर कंटेंट होता है, अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो गन्ने की जो मिठास होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए ज़्यादा बारिश इसके लिए हानिकारक है। और एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है बोर्ड में कई बार कि जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र की ओर क्यों शिफ्ट होता जा रहा है, पहले जितना प्रोडक्शन यूपी में होता था वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है और महाराष्ट्र में इसका सेटअप बढ़ रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि महाराष्ट्र की जो कंडीशन है वो शुगर केन के लिए बेस्ट है। एक तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 21 to 27 रहता है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, हॉट भी है, साथ ही बारिश की कमी है। यूपी में बारिश होती है, बिहार में बारिश होती है, लेकिन महाराष्ट्र में बारिश थोड़ा कम है, तो जिसके कारण जो शुगर कंटेंट है वहाँ के गन्ने में वो ज़्यादा होता है, मिठास ज़्यादा होती है, तो उस गन्ने की क्वालिटी यहाँ के गन्ने से बेटर है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों शिफ्ट हो रहा है तो रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ का जो मार्केट है वो सूटेबल है, जिसके कारण जो मार्केट है इसका वो शिफ्ट हो रहा है। अब बात करते हैं बच्चों हम ऑयल सीड की। ऑयल सीड्स क्या हैं? ऑयल सीड्स वो हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, बीज होता है सीड्स और ऑयल तेल, तो जिनसे तेल निकाला जाता है वो सब ऑयल सीड्स में होते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स, भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमी, सोयाबीन, कैस्टर, कॉटन सीड्स, लिनन सीड्स एंड सनफ्लावर आर द मेन ऑयल सीड ग्रोन इन इंडिया। भारत में ये सारे जो सीड्स हैं, ग्राउंड नट है, मस्टर्ड हो गया आपका, सरसों, कोकोनट हो गया, सेसमी तिल हो गया, सोयाबीन, कैस्टर, कोकोनट, ये सब क्या हैं, यहाँ पर भारत में इन सबको उगाया जाता है और इनसे ऑयल निकाला जाता है। ग्राउंड नट अगर हम बात करें तो ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा निकाला जाता है पूरे इंडिया में। सो ग्राउंड नट अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया। अगर बात करें तो पूरे इंडिया में 100% में से 50% तो सिर्फ ग्राउंड नट ही ऑयल सीड प्रोड्यूस किया जाता है, उसका ऑयल निकाला जाता है, और बाकी बचे 50% में बाकी सारे सीड्स आते हैं। आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ग्राउंड नट इज़ अ खरीफ क्रॉप, लिन सीड्स एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप, सेसमी इज़ अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड राबी क्रॉप इज साउथ। कैस्टर इज़ ग्रोन बोथ एज राबी एंड खरीफ क्रॉप। कैस्टर जिसे हम अरंडी कहते हैं, तो ये वो है आपका कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट आपकी है वो है आपकी टी, चाय। जैसा आप सब जानते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हैं कि चाय एक प्लांटेशन क्रॉप है जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी, और चाय को मेनली ऐसी जगह पर उगाया जाता है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ह्यूमिडिटी होती है और लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव ये प्लांटेशन क्रॉप है। सो टी प्लांट ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की फसल है। इन डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल, इसके लिए जो मिट्टी है वो कैसी चाहिए, डीप फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही एक और चीज़ जो चाहिए वो चाहिए वेल ड्रेन। इसीलिए पहाड़ों पर, पहाड़ियों के ढलानों पर, सीढ़ियों के रूप में या स्लोपी रीजन्स में इसको उगाया जाता है ताकि बारिश का पानी इसकी जड़ों में ना रुके, वो सीधे बह जाए। सो द सॉइल शुड बी रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, साथ ही इस मिट्टी में ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होना चाहिए। और ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर कहाँ मिलेगा, जहाँ पर
जो जंगल हैं जहाँ पर पहाड़ी एरिया है, घने पेड़ पौधे हैं, तो ह्यूमस कंटेंट किस मिट्टी में ज़्यादा मिलता है? फॉरेस्ट सॉइल में, क्योंकि पेड़ पत्तों की जो पत्तियाँ हैं, उसके फॉसिल्स हैं, वो क्या होते हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं और सॉइल में ह्यूमस कंटेंट को बढ़ा देते हैं। सो टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला आर मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। इसमें बच्चों आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। कर्नाटका में कॉफ़ी होती है और आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला में टी है। द हिल्स ऑफ दार्जिलिंग आर फेमस फॉर द यूनिक क्वालिटी ऑफ टी प्रोड्यूस्ड देयर। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ की जो चाय है वो बहुत ही फेमस है, अच्छी क्वालिटी की चाय उगाई जाती है वहाँ पर, और साथ ही चाय उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का सबसे आगे है। इसके बाद कॉफ़ी, कॉफ़ी इज़ ऑल्सो ग्रोन इन प्लांटेशन, ये भी प्लांटेशन क्रॉप है। इनिशियली द अरेबिका वराइटी वॉज ब्रॉड फ्रॉम यमन एंड प्रोड्यूस इन इंडिया। कॉफ़ी भी जो है ब्रिटिशर्स ही नहीं इंट्रोड्यूस की थी, और फर्स्ट जो वराइटी इंडिया में उगाई गई थी उसका नाम था अरेबिका। इसको आप MCQ में याद रखना कि फर्स्ट वराइटी ऑफ कॉफ़ी कौन सी थी, वो थी अरेबिका, और यमन से इसको लाया गया था। द कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय द बाबा बुदान हिल्स। और शुरुआती समय पे जो कॉफ़ी थी वो कहाँ उगाई जाती थी, बाबा बुदन की पहाड़ियों पे, और बाद में पूरे कर्नाटका में इसकी फसल, इसका उत्पादन किया जाने लगा। अदर्स, इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। भारत में फसलों के अलावा फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं, और तो यहाँ पर ट्रॉपिकल, जैसे आपको मालूम है कि जहाँ गर्मी की, और टेम्परेट मतलब मॉडरेट, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडा, तो ये वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं इसमें। तो ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी मेघालय, बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, एप्पल, पियर्स, एप्रीकोट एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड द वर्ल्ड ओवर। पूरे विश्व में जो जो फेमस चीज़ें हैं हमारे यहाँ की, स्टेट्स की, उनकी बहुत ही डिमांड रहती हैं। आप सबको मालूम है कि जम्मू और कश्मीर में जो क्या उगाए जाते हैं, जो एप्पल्स हैं, जम्मू कश्मीर के सेब फेमस हैं, पियर्स फेमस हैं, एप्रीकोट्स, वॉलनट्स, ये सब वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, और ये पूरे इंडिया में भी सप्लाई की जाती है, एज़ वेल एज़ फॉरेन कंट्रीज़ में भी इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। ग्रेप्स आप सबको मालूम है आंध्र प्रदेश में उगाए जाते हैं। तो जो जो फेमस चीज़ें हैं स्टेट्स की, वो मेन उनका प्रोडक्शन किया जाता है और उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? मेनली हॉर्टिकल्चर है जहाँ पर आप क्या करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पूरे वर्ल्ड में सेल करते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल। पूरे विश्व की लगभग 13% जो वेजिटेबल्स हैं वो इंडिया में ही उगाई जाती हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल एंड पटेटो। नॉन फ्रूड क्रॉप्स। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपको फसलें और आपकी जो ईटिंग क्रॉप्स हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं। जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको भेजूंगी, उस वीडियो में आपके जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं या जिसे हम कमर्शियल क्रॉप्स कह सकते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे।